आज हम बैक्टीरिया चालू करते हैं। बैक्टीरिया हम पहले जानते हैं, बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा में आता है, और किंगडम मोनेरा का इसको हम सोल मेंबर बोलते हैं, एक आत्मा बोलते हैं। बैक्टीरिया हमेशा वर्ड सुनते आए हैं कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, बैक्टीरिया अगर हम देखते हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है, फ्रेंड एंड फूज दोनों हैं। ओके, हमारे को डिजीज बीमारी भी पैदा करता है, डिजीज भी करता है, और हमारे दही बहुत सारे चीज़ें जो रहता है उसको हमारे यूजफुल के लिए भी काम आते हैं। ओके, अब हम बैक्टीरिया पता कैसे चला, कौन बताया, क्या आगे का प्रोसेस है इसका, और बैक्टीरिया जो टर्म जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसको कैसे इसको इजी वे पे स्टडी करते हैं। ओके, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, ओके, बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, हम देख रहे हैं बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया जो प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, इसको पहली बार कौन डिस्कवर्ड किया, तो बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लुवेनहॉक अबाउट 1674 की बात है। और जो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक जो है, ये कौन से कंट्री का है, डच। ओके, डच का है। जब इन्होंने इस बैक्टीरिया को देखा, जब पहली बार इन्होंने बैक्टीरिया को कहाँ पे देखा, रेनी वाटर में। ओके, बैक्टीरिया को इन्होंने रेनी वाटर में देखा, बरसात के पानी में देखा, तो ये मोबाइल कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था, तब इन्होंने इसको बोला एनिमल क्यूल। तब इन्होंने क्या बोला इसको, एनिमल क्यूल। ओके, तब इन्होंने इसको बोला एनिमल क्यूल। ओके, इस एनिमल क्यूल को बाद में, इस एनिमल क्यूल को बाद में लेटर द नेम, जो हम बैक्टीरिया चिल्लाते हैं, बैक्टीरिया, लेटर द नेम बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया टर्म है वो बैक्टीरिया टर्म कौन दिया, साइंटिस्ट एरन बर्ग। लेटर द नेम बैक्टीरिया टर्म कौन दिया, बैक्टीरिया टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट एरन बर्ग। ओके, कौन दिया, साइंटिस्ट एरन बर्ग। और जो एरन बर्ग है ये कहाँ का है, जर्मनी। ओके, तो बैक्टीरिया जो बोलते हैं उस बैक्टीरिया टर्म को साइंटिस्ट एरन बर्ग ने दिया। ओके, फिर आगे बात चली बैक्टीरिया, तो अपना जो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक है, इसके स्टडी का क्रेडिट जाने के कारण हम इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। इसीलिए हम एंटोनी वॉन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ओके, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ओके, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जब हम बात करते हैं जब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो हम देखे, तो बैक्टीरिया टर्म कौन दिया, एरन बर्ग। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया, ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म,
बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक, ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और स्पेशली हम इसको बात करते हैं जो है, ये किसका मेंबर है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। मोनेरा, अब बात आती है मोनेरा, तो मोनेरा मीन्स क्या होता है, सिंगल। मोनेरा मीन्स क्या होता है, सिंगल, ओके, मोनेरा मीन्स क्या होता है, सिंगल। तो प्रोकैरियोटिक सिंगल ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड किंगडम मोनेरा, या यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर या सिंगल, या हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड किंगडम मोनेरा। हम एक कोष की पूर्व हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में इंक्लूड करते हैं, ओके। तो यहां तक बात देखने के बाद हमको एक चीज क्लियर हो जाता है, किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया जो है ये सोल मेंबर है, सोल मेंबर, ओके, सोल मेंबर मतलब किंगडम मोनेरा की आत्मा है, ओके, सेल मेंबर ऑफ द किंगडम, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर जो है वो कौन है, बैक्टीरिया, ओके। तो फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया एंटोनी वान लुएनहॉक, ओके, जो डच कंट्री का है, 1674 की बात है। इन्होंने किस में देखा था, रेनी वाटर में देखा था, जब रेनी वाटर में देखा था तो मूवमेंट कर रहा था, तब इन्होंने इसको क्या बोला, एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल बोला, तब बाद में इसको इसको बैक्टीरिया टर्म, बैक्टीरिया टर्म दिया एरेनबर्ग ने, जो जर्मन का है, ओके। हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो रहता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हम किस में इंक्लूड करते हैं, किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा, मोनेरा मिस होता है सिंगल, और मोनेरा मिस होता है सिंगल, और सिंगल को हम देखते हैं, और इसमें यूनिसेलुलर, जो भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस में इंक्लूड करते हैं हम, किंगडम मोनेरा में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। यहां से देखने के बाद हम ये देखते हैं कि जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया टर्म कौन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोलते हैं लेकिन बैक्टीरिया टर्म कौन दिया था, एरेनबर्ग, ओके। आगे हम बैक्टीरिया को पूरी तरह देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और इसमें देखते हैं कि बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। और जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप जो नेचर ही होता है, ये पैरासाइट को शो करता है, इनका किसको शो करता है, पैरासिटिक को शो करता है। और ये जो पैरासिटिक जो होते हैं या पैरासाइट्स जो होते हैं, ये ज़्यादातर जो रहते हैं, मोस्ट ऑफली जो रहते हैं, इंटरसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, इंटरसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं ये इंटरसेलुलर्स होते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं इंटरसेलुलर होता है, और कुछ जो रहते हैं सम, ये जो रहते हैं इंट्रासेलुलर होता है, और कुछ जो होते हैं, कुछ जो होते हैं इंट्रासेलुलर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, ओके।
तो पैरासाइट नेचर ही इसको ये बताता है कि ये इंट्रासेल्युलर मतलब दो कोशिकाओं के मतलब कोशिका के बाहर पाए जाते हैं ज़्यादातर, और कुछ जो होते हैं कुछ ही जो होते हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ओके, ये इनका पैरासिटिक नेचर जो होता है ये हमको हेटरोट्रॉफ से पता चल जाता है। ओके, कुछ बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया जो रहते हैं ये कीमो ऑटोट्रॉप्स जो है कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये होते हैं अपने स्वपोषी जिसको बोलते हैं वैसे होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारा जो रहते हैं ये क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, ये जो ऑटोट्रॉपिक जो रहते हैं अगर ये यूज करे तो ये अपने फूड मटेरियल फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, H2S यूज करते हैं, ये वाटर यूज नहीं करते। इसलिए हम ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसको सल्फर पल्पर बैक्टीरिया ओके ऐसा करके हम बोलते हैं। तो ये कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया जो रहते हैं ऑटोट्रॉप्स कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप के कारण ये पैरासिटिक शो करते हैं, ज़्यादातर इंटरसेलुलर्स होते हैं और कुछ ही जो रहते हैं इंट्रासेलुलर कोशिका के अंदर इंट्रा। ओके, ऑटोट्रॉप्स होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। बैक्टीरिया की बात और करें तो सबसे जो खास बात बैक्टीरिया का जो और देखते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं और अगर हम देख ले तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया हमारा दोस्त भी है फ्रेंड भी है। ओके, और हमारा दुश्मन का भी जैसा करता है, अगर डिजीज कॉज किया तो हमारे लिए हार्मफुल है, अगर हम उसका यूजफुल करते हैं तो ये हमारे लिए क्या रहता है, बेनिफिशियल है। तो बैक्टीरिया की अगर और आगे की बात करें तो जो बैक्टीरिया जो होता है ये जो रहता है मोस्ट कॉमन टाइप जो बैक्टीरिया होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हम देखते हैं ये रॉट से बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन शेप जो बैक्टीरिया का होता है, मोस्ट कॉमन शेप जो बैक्टीरिया का देखते हैं ये रॉट शेप होता है। ओके, रॉट से बैक्टीरिया द वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोट से जो होता है रॉट से बैक्टीरिया, अगर रॉट से बैक्टीरिया हम देखें तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं इस बैक्टीरिया को रॉट से बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, दीज आर रॉट से बैक्टीरिया। ओके, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया जो है एचसीजिया कोलाई, और हम देखते हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया जो है क्या, एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया जो इसका एक्सपेरिमेंटल जो बैक्टीरिया जो हमारा एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया है, ये एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया जो अपना एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया जो है वो क्या है, एचसीजिया कोलाई, ये सभी जानते हैं क्या है, ई कोलाई। ओके, ई कोलाई जो है ई साइंटिस्ट का नाम है और प्रेजेंट ऑन क्लोन, ये हमारे क्लोन लार्ज इंटेस्टाइन के क्लोन पार्ट में पाए जाने के कारण हम इसको कोलाई कहते हैं, और ये जो रहता है एचसीजिया एक जर्मन साइंटिस्ट का नाम है उसको बोलते हैं एचसीजिया कोलाई, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, याद रखिएगा दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये होता है कि जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हुए भी डिजीज कॉज करता है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर बैक्टीरिया जो एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया जो हम यूज करते हैं एचसीजिया कोलाई, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, पेरिट्रैकस है, पूरे इसके वाल में पूरे जो रहता है फ्लैजिला रहते हैं। ओके, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहते हैं ये जो है, ओके, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ज़्यादातर पैथोजेनिक होते हैं। ओके, पैथोजेनिक होते हैं, जब ये पैथोजेनिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में रहकर ये डिजीज कॉज क्यों नहीं करता, तो आंसर तो स्टूडेंट इसका आंसर यही है कि जब तक डिजीज कॉज करने के लिए हम पे एक इन्वायरमेंटल या फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ये कॉम्पैक्ट होता है, पैक होता है और इन्वायरमेंटल के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट नहीं रहता है। अगर हम इसको इन्वायरमेंटल कॉन्टैक्ट डायरेक्ट दे दें तो डिजीज कॉज कर देगा ये। ओके, तो
तो इसका जो डिजीज जो होता है, इसलिए हम देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन अगर कहीं ऐसा फेवरेबल कंडीशन हो जाए तो यूटीआई इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारे जो होता है जो इनके इससे होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एयर टाइट के कारण क्या रहता है, ये अपना डिजीज कॉज नहीं कर पाते। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, अब हम देखते हैं जो बैक्टीरिया, जो हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओके। हेटरोट्रॉफ, ज्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। पैरासिटिक, ये हेटरोट्रॉफ ही इसको पैरासिटिक, पैरासाइट हमको पैरासाइटिक फॉर्म को ही बताता है ये, ओके। इंटरसेल्युलर, मोस्ट ऑफ द इंटरसेल्युलर होते हैं दो कोशिकाओं के बीच में, और कुछ ही जो रहते हैं वो इंट्रासेल्युलर्स होते हैं, जैसे क्लैमिडिया, ओके। कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो कीमोटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं ये, ठीक है ना। तो हम ऐसे बैक्टीरिया को एक स्पेशल नाम बोलते हैं, नॉन ऑक्सोजेनिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सोजेनिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, ये जितने भी बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, ओके। नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जो होता है, जो ऑक्सीजेनिक अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, ओके, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, अगर हम ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो हम किसे मानते हैं ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, बीजीए, सिमिलर टू बैक्टीरिया समान मानते हैं, लेकिन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया बीजीए को मानते हैं। फर्स्ट बीजीए जो है जो ट्रू फोटोसिंथेसिस किया था, ओके, लेकिन जो रियल बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में, ओके, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल अब्सेंट होते हैं। तो यहां तक की सारी बातें क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं, ओके। बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में, ओके, यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई झिल्ली जिसको बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल आर अब्सेंट, ओके। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यूनिट मेम्ब्रेन मतलब फ्रेंड्स इकाई झिल्ली, याद रखना, इकाई झिल्ली से घिरी कोशिकांग जो बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट मेम्ब्रेन, वही मेम्ब्रेन चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, बना तो लिपिड प्रोटीन का ही रहता है, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर ही बना रहता है, ओके। बस इनमें जो वेरिएशन जो रहता है, इनमें जो डेरिवेशन जो चेंजिंग रहता है, वही इनको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करवाता है, ओके। एक्सेप्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो पाया जाता है, तो वो है दोस्तों क्या है, राइबोसोम, ओके, 70S राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम, ओके। फिर पूछोगे आखिर यही क्यों पाया जाता है, इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। व्हाई इज प्रेजेंट, ड्यू टू लैक ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, ओके। इसमें इकाई झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें राइबोसोम है
इसका मतलब खुद क्या है, बैक्टीरिया खुद अपना प्रोटीन बनाता है, जैसे हमारे सेल्स खुद प्रोटीन बनाते हैं वैसे बैक्टीरिया में भी कैपेबिलिटी होती है, खुद प्रोटीन बनाता है। ओके, इससे प्रूफ होता है कि बैक्टीरिया आल्सो फॉर्म प्रोटीन। ओके, बैक्टीरिया भी प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो ऑर्गेनल्स की बात हुई, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात करते हैं, अगर हम जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अब फ्रेंड बोलोगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो करेक्टर्स जाते हैं उसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है यहां पर, तो यहां पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट 5-174 जो कॉलीफेज है। ओके, देखिए ठीक है, दिस इज डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, ये आप देख रहे हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जो रहता है तो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है वो सर्कुलर क्यों होता है, लीनियर क्यों नहीं होता है। ओके, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो जेनेटिक कोड यहां पर है वही जेनेटिक कोड अपने में भी होता है, जब जेनेटिक कोड समान है तो यहां पर ऐसा क्या चीज है जो उसको सर्कुलर कर देता है। तो फ्रेंड्स, एक ही आंसर, हिस्टोन प्रोटीन। यहां पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन वो होता है जो इसको कॉइलिंग कराता है, जो इसको क्या करते हैं, ये कॉइलिंग कराने में मदद करता है, वो यहां पे अब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, क्लियर। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होने के कारण ये क्या रहते हैं, सर्कुलर होता है। ओके, तो इसके जगह में क्या पाया जाता है, तो इसके जगह पर यहां पर जो रहता है पॉलीअमीन पाया जाता है, इसके स्थान पर क्या पाया जाता है, यहां पर पॉलीअमीन पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार रहता है। और यूकेरियोटिक में तो जानते हैं लिनियर होता है, वाटसन क्रिक, ठीक है। तो बात वही चीज है, यहां पर जेनेटिक मटेरियल देख लिए, यूनिट मेम्ब्रेन देख लिए। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है, ठीक है ना, डिवीजन, बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है या प्रोकैरियोटिक में जो डिवीजन्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विभाजन, कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन उसी को बोलते हैं डिवीजन। तो यहां पर जो डिवीजन होता है वो याद रखना, ओनली ए माइटोसिस डिवीजन, क्या होता है, ए माइटोसिस डिवीजन का मतलब होता है डायरेक्ट डिवीजन, यहां पर मियोसिस और माइटोसिस नहीं होता, ये डायरेक्ट अपने आप को अलग कर लेता है। ओके, डायरेक्ट अपने आप को अलग कर लेता है। जो मोस्ट कॉमन टाइप है जो उसमें डिवीजन जो देखने को मिलता है वो है बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन, इसके बाद हम देखते हैं, हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। इन सारी चीजों को समझते हुए, ओके, हम यूनिट मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल और ये डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स है एक प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया को समझने के लिए। यहां के बाद जब हम बात करते हैं
इनमें जो क्या बोलते हैं ये अपना जो डिवीजन की बात करें तो इसमें जो यहाँ पर जो डिवीजन है ए माइटोसिस डिवीजन, ये माइटोसिस डिवीजन जो डायरेक्ट अपने आप को डिवाइड करते हैं। अगर हम नॉर्मली इनका रिप्रोडक्शन की बात करें कि मतलब डिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या है, इनका अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और मल्टीप्लाई आपको करना मतलब रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर जनरली जो रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आप बुक में पढ़ेंगे तो लिखा रहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ कोई स्पर्म गैमेटोमेट नहीं बनता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वन बैक्टीरिया टू नेक्स्ट बैक्टीरिया थ्रू एक ट्यूब बनता है, ट्यूब अभी देखेंगे एनाटॉमी में, तो उसके थ्रू तब हम उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इस चीज को क्लियर कर लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे अपना कॉन्जुगेशन जिसमें नोबेल प्राइज मिला अपना लेडरबर्ग एंड टाटम को, ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तीन ही होते हैं। तो यहां तक बात करते हैं अब बैक्टीरिया एनाटॉमी, ओके।